हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर। एंड जैसे कि पिछली दो तीन वीडियोस में मैं जनरल ट्रेनिंग के लेटर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लिखने के, इसकी पिछली वीडियो आपने देखी होगी सेमी फॉर्मल लेटर के लिए। ये वाली जो वीडियो है इट इज स्पेसिफिकली अबाउट द फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर किसको लिख रहे हैं? स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं, जिनको हम जानते ही नहीं है, पर्सनली नहीं जानते हैं, कई बार हम बाय फेस भी नहीं जानते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेमी फॉर्मल लेटर, जिसमें हम उनको जानते हैं लेकिन वो पर्सन ना तो हमारा फ्रेंड है ना हमारा रिलेटिव है। और उसके बाद आ जाता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हम अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, इन सबको लिख रहे हैं, तो इनको लिखने का जो एक पैटर्न है वो कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर्ड टू द फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर। अब इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? फॉर्मल लेटर में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम अपनी इंट्रोडक्शन क्या लिख रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी जॉब डेजिग्नेशन क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारे व्हाटसोएवर जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है, कंप्लेंट्स, डाउट्स, जो कुछ भी है। सेमी फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं अपने ट्रेनर्स को या प्रोफेसर्स को, जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि हमारी क्लास कौन सी है, हमारा लोकेलिटी कौन सी है, अगर हम अपनी लोकेशन वाले को लिख रहे हैं, नेबर को लिख रहे हैं तो हाउस नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। लेकिन जब हम फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं, हम ऐसे बात ही नहीं करते हैं। अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से बात करने के टाइम पे वी आर वेरी काम, कंपोज्ड, बहुत ही ईजीनेस से बात कर रहे हैं। हम कुछ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ वो पर्सन क्या सोचेगा, उसको पता भी है मैं कौन हूँ, उसको पता भी है मैं रहता कहाँ हूँ, जॉब कहाँ करता हूँ, ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। सो इनफॉर्मल लेटर को स्टार्ट करने के टाइम पे हमें क्या करना है, ये वाला जो लेटर है इसमें आपको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वर्ड लिमिट भी मैं इसमें बताऊंगी आपको, TACCLR और ग्रामर कैसे अचीव करनी है वो भी इस लेटर में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो इसको लिखने से पहले हम एक चीज देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि टॉपिक क्या है और इसके पॉइंटर्स कौन कौन से बनाने हैं। हमारा लेटर है यू आर गोइंग टू विजिट अ फ्रेंड हु लव्स स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम फ्रेंड को विजिट करने वाले हैं जिसको स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, सो लव स्पोर्ट्स। राइट अ लेटर अबाउट एन आउटडोर स्पोर्ट दैट यू वुड लाइक टू ट्राई फॉर फर्स्ट टाइम। So, अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसको स्पोर्ट्स करना बहुत पसंद है और आप उसको विजिट करने वाले हो, मतलब आपने उसके पास घूम मिलने जाना है या उससे उसके साथ घूमने जाना है, उसको विजिट कर रहे हो आप। तो लेटर ये लिख रहे हैं कि पहली बार ही आपने कोई एक आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करना है, उसके रिगार्डिंग आप उसको लेटर लिख रहे हो। तो इस लेटर से हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि हम यहाँ पे आ गया, फ्रेंड का नाम आ गया और राइट अ लेटर अबाउट एन आउटडोर स्पोर्ट टू योर फ्रेंड। ठीक है, इन योर लेटर यू शुड टेल, अब यहाँ पे हमें उन्होंने पॉइंटर्स दे दिए हैं, बुलेट पॉइंट्स, वो स्पोर्ट क्या है, कब और कहाँ आप खेलना चाहोगे, हु वुड यू लाइक वुड प्ले इट विद, मतलब ये आप किसके साथ खेलोगे या फिर कौन आपके साथ जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आ रही है वो है एक आउटडोर स्पोर्ट जो आप पहली बार ट्राई करोगे। अब आउटडोर स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कैच क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ऐसा तो है नहीं कि आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल ये पहली बार ही खेलने वाले हो, ये चीजें तो हम यूजुअली खेलते आ रहे हैं, घर पे ही बहुत बार खेली है हमने, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट हमने बहुत बार खेला है। तो एक आउटडोर स्पोर्ट जो पहली बार ट्राई करना है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी है, तो वो क्या हो सकता है, लेट्स से पैराग्लाइडिंग कह देते हैं कि मैं पैराग्लाइडिंग करना चाहता हूँ। सो व्हाट इट इज, विल से पैराग्लाइडिंग। अब ये पैराग्लाइडिंग जो है ये हम सबको पता है, इट्स की पैराशूट बांध के वी जंप डाउन फ्रॉम अ हिल या फिर वी जंप डाउन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर व्हाटसोएवर, तो ये वो है स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग। अब व्हेन एंड वेयर, अब जब पैराग्लाइडिंग करनी है, माउंटेन्स चाहिए, हिल्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, तो बेसिकली हिल स्टेशन से ही आएंगे। सो लेट्स से शिमला के बारे में बात कर देते हैं कि शिमला में है, वहां पे जाके पैराग्लाइडिंग करेंगे, कब करेंगे, अब शिमला जाना है, हिल स्टेशन है, तो यूजुअली हम कब जा रहे हैं, समर हॉलीडेज में जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे वेदर सही होता है, पैराग्लाइडिंग जो है स्नो में नहीं होती है, तो हमें समर वेदर चाहिए जब वेदर बहुत प्लेजेंट है। देन
किसके साथ खेलोगे ये, किसके साथ करोगे? आप कह सकते हो कि आप अपने यंगर ब्रदर को अपने साथ लेके आओगे, क्योंकि आपका जो यंगर ब्रदर है वो एक बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, जो कि अपनी सारी जो लाइफ है वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल में जी के ही बताई है उसने। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सिटिंग, लेजी, हमेशा मोबाइल, गैजेट्स, कंप्यूटर, उसमें ही रहा है। तो हम उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, बिकॉज इनफॉर्मल लेटर है भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बातचीत करो, कन्वर्सेशन करो अपने फ्रेंड के साथ, अपनी इंट्रैक्शन करो, बस यही चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो है एग्जामिनर को मसाला चाहिए इनफॉर्मल लेटर में, ताकि वो आपकी बात समझ सके और आपके हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस से ये क्लैरिफाई और जस्टिफाई होना चाहिए कि ये लेटर एक फ्रेंड को लिखा गया है, ना कि किसी प्रोफेसर या टीचर को या मैनेजर को। ये डिफरेंशिएशन हर एक स्टेप पे होना चाहिए आपका। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे हमारा फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है डियर सर या मैडम से, सेमी फॉर्मल स्टार्ट होता है विद राइटिंग डियर और आगे उनका सरनेम आ जाता है, इनफॉर्मल स्टार्ट होता है डियर के बाद नेम से। तो इसको जब मैं स्टार्ट करूंगी, मैं लिखूंगी डियर, सॉरी नेम क्या लिखे, लेट्स राइट डियर, लेट्स राइट रॉयला, कुछ भी लिख देते हैं, डियर रॉयला। उसके बाद अब ओपनिंग करनी है, इंट्रोडक्शन नहीं देना है हमने, यहां इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम किसी को। तो हम यहां पे लिखेंगे होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, फुल स्टॉप। जब हम किसी से बात भी करते हो तो हम क्या कहते हैं, हेलो हाउ आर यू, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आई होप यू आर गुड, यू आर फीलिंग गुड, यू आर इन गुड हेल्थ। इसके बाद क्या करना? अब ये तो स्टेटमेंट लिख दी, क्या हम सीधा स्टार्ट कर दे लेटर? नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, आई रिसेंटली रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम यू इन विच यू हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द पैराग्लाइडिंग यू ट्राइड लास्ट वीक। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में स्पोर्ट के बारे में बात करनी है, वो हमारी होगी क्लोजिंग। उसके हमें ओपनिंग में ये सब लिख दिया और कह दिया कि आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस स्पोर्ट मोर एंड रियली वांट टू ट्राई इट फॉर माय सेल्फ। ये हमारा पहला लेटर है कि उसको पता चले कि हाँ भाई लेटर लिखने के कारण क्या है, क्यों लिख रहे हो मुझे लेटर, किस इसके पीछे की रीजन क्या है। जब हमने ये चीज लिख दी, उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट इज इट। तो यहाँ हमारा पहला आ जाएगा, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही में हम अपने दूसरे क्वेश्चन को लिख देंगे व्हेन एंड वेयर। लास्ट में हम लिखेंगे कि किसके साथ जाना है, और उसके बाद हमारी यहाँ पे आएगी क्लोजिंग स्टेटमेंट, और इस क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप मेंशन करोगे कि आई एम वेरी ईगरली वेटिंग फॉर माई समर ब्रेक टू स्टार्ट एज आई कांट वेट टू स्टेप ऑन टू अ हिल एंड वेयर दैट पैराग्लाइडिंग बैग ऑन टू माई शोल्डर्स एंड जंप ऑफ फ्रॉम अ माउंटेन और अ हिल। सो ये हमारी हो गई क्लोजिंग। एंड में क्या लिखेंगे? योर्स lovingly और अपना नेम, लेट्स राइट जसप्रीत। ये हमारी होगी इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे मैंने टी ए की बात की थी, अब टी ए कैसे अचीव होता है? हर एक लेटर में जब आप टास्क अचीवमेंट कर रहे हो तो आपका टास्क अचीवमेंट यहाँ से कवर होता है, जब अपने सारे बुलेट पॉइंट्स को आप पैराग्राफ में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देते हो, वो सीक्वेंस आ जाता है आपका। और जो आ गया हमारा सी सी, अब जब हमने अपने पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया है, जब भी दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे आप एक कनेक्टर लगाओगे, पैराग्राफ कनेक्टर नहीं लगा रहे हो, आप एक स्टेटमेंट का कनेक्टर लगाओगे, और साथ ही साथ आपकी ये डियर और योर्स लविंगली, ये भी आपके कनेक्टर्स में ही काउंट होते हैं और इसका भी स्कोर मिल जाएगा। एल आर की बात करें तो हम यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स के बारे में लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स की डेफिनेशन दे रहे हैं, एडवेंचरस होने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपने एनवायरमेंट और फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब वो विदाउट वोकैबुलरी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम वो चीजें भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखने बैठ रहे हो, आप ये चीज अपने माइंड में रखिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच के लिखिए जिसको आप लेटर लिख रहे हो। अब वर्ड लिमिट जो है हमारी, मिनिमम 150 वर्ड्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 200-220 तक लिख सकते हो, बट मेक श्योर 250 ना जाए, 200 तक इसको रखिए, इससे ऊपर एक्सटेंड ना कीजिए। रीजन ये है कि कई बार हम लेटर लिखते लिखते ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, सो ऑफ टॉपिक ना जाने के कारण ही आपकी जो वर्ड लिमिट है वो मिनिमम 150 to 180 जाती है, कि इससे ज्यादा मत लिखिए।
अपने लेटर्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना ही आपकी एक की टू सक्सेस है. सो डेली बेसिस पे लेटर्स लिखिए, जितने हो सकते हैं सॉल्ट रीड कीजिए, वोकैबुलरी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज लेटर में बच्चे ज्यादातर जो है मात खाते हैं अपनी वोकैबुलरी की कमी से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एज मच वोकैबुलरी वर्ड्स एज यू कैन, बिकॉज दीज आर द की टू सक्सेस. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिसिंग. If you really enjoyed watching this video, click that like button, subscribe the channel if you're new to it, and thank you so much for watching.